हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को 8 बजे हम लोग यहां पर आते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करते हैं। साथ में आप सभी लोगों को यहां पर फ्री PDF भी प्रोवाइड कराई जाती है और एग्जाम में मात्र जो है 3 दिन बचा हुआ। तो जो लोग नए जुड़ रहे हो उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली 8 बजे क्लास मिल सके, साथ में PDF मिल सके। इंपॉर्टेंट क्लासेस चलती हैं तो इसको अवॉइड बिल्कुल भी ना करें, ना ही इसको इग्नोर मारें। तो चलिए हम लोग देर नहीं करेंगे, बस सभी लोग जो है जल्दी से जुड़ जाइए और सभी लोग हेलो लिख दीजिए एक बार और सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो हम लोग देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आ चुका है कि फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 4 ग्रैंड स्लैम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन और उसके बाद में आपका फ्रेंच ओपन होता है और उसके बाद में फिर आपका हो जाता है विंबलडन ओपन, सॉरी US ओपन होता है और फिर लास्ट में आपका विंबलडन ओपन हो जाता है। ये 4 आपका क्रम होता है। अगर मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की विजेता कौन रहे थे, तो पुरुष में अगर हम बात करते हैं तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं वो जो है इसके विजेता रहे हैं। साथ ही में अगर हम बात करते हैं कि इसमें यानी ऑस्ट्रेलियन में कौन महिला में कौन जीता था, तो महिला एकल की बात करते हैं तो नाओमी ओसाका जो कि जापान की थी वो जीती थी। वहीं पर अगर हम फ्रेंच ओपन 2021 की बात करते हैं तो जो पुरुष का था, पुरुष में जो है नोवाक जोकोविच जीते थे, लेकिन महिला की अगर हम बात करते हैं तो बारबोरा जो ये पहला ऑप्शन जो है यानी कि बारबोरा क्रेजिकोवा जीती थी। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन याद रखिएगा, पुरुष में ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और US, इन तीनों में नोवाक जोकोविच जीते थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अगर हम महिला की बात करते हैं तो महिला में नोवामी ओसाका ऑस्ट्रेलियन में जीती थी और फ्रेंच में बारबोरा क्रेजिकोवा जीती थी। ठीक है, बाकी आप लोगों को इंपॉर्टेंट इतनी चीजें बता दी गई हैं इससे रिलेटेड। हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, ये भी काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सभी लोग इसका आंसर जो है जरूर टाइप करेंगे ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग कर रहे हो इसको अच्छे से। बहुत बढ़िया, बिल्कुल परेशान ना होइए, बिल्कुल 2-3 दिन में हम लोग जो बचे हुए टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को हम लोग जो है क्लियर कर देंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए, किसे चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी लोग जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलिए चलिए चलिए, तो अगर हम बात करते हैं इसका तो दूसरे का बी हो जाएगा, यानी कि अनूप चंद पांडे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सभी लोगों ने उम्मीद किया है कि आप लोग किए भी होंगे क्योंकि आप लोग पिछले दिनों से अगर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहां पर भी एक क्वेश्चन मैंने इसको प्रीवियस वाले जो सॉरी ऐसा बताए कि जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने सॉल्व किया था वहां पर भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो हाल ही में जो नए चुनाव आयुक्त बने हैं अनूप चंद पांडे बने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका जो है आंसर, आप सभी लोग बताइए कि तीसरे का जो है आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से सभी लोग टाइप करेंगे, जो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है इसमें बताइए कि किसको क्या मिला था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बढ़िया। देखो अवार्ड से क्वेश्चन तो आते ही हैं, इसमें तो फिलहाल कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल फिल्म फेयर पुरस्कार की यहां पर बात किया गया 67वें, बिल्कुल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की यहां पर बात किया गया है। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर टाइप करेंगे, मजा आने वाला है। बिल्कुल हम सारी चीजें यहां पर क्लियर करेंगे, जैसे जैसे भी ऑप्शन बनते जाएंगे हम सारे ऑप्शंस को क्लियर करेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए तो इसका आंसर जो है हम आपको बता देते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अरुणाचल प्रदेश की जो एक मूवी आई थी उसकी अगर मैं बता दूं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था, तो अगर हम इसकी बात करते हैं यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म थी अगर हम उसकी बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात करते हैं, तो मरक्कर अराबिक्का डालिंते सिम्हम, ये मलयालम में एक मूवी थी इसकी बात करिएगा। और सर्वश्रेष्ठ जो हिंदी फिल्म हुई थी इसमें वो छिछोरे को दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बनाए गए थे, तो मनोज बाजपेयी को बनाया गया था और धनुष जो है वो बने थे तमिल मूवी के लिए, यानी साउथ इंडियन के लिए तमिल धनुष को सेलेक्ट किया गया था और हिंदी यानी मूवी के लिए मनोज बाजपेयी को। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो कंगना रनौत थी। ठीक है, बिल्कुल जो मणिकर्णिका मूवी आई थी ना उसके लिए दिया गया था इनको, बिल्कुल। चलिए
ऐसे ही जो है फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ थी, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो इरफान खान जो है उसके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हुए थे। तो फिल्म फेयर अवार्ड और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अंतर समझिएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ जो हिंदी फिल्म थी वो छिछोरे थी, वहीं पर फिल्म फेयर की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर बताइए। हम लोग तेजी से चलेंगे, जहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी वहां पर एक्सप्लेन करेंगे, और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कोसी नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो कोसी नदी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की जा रही है। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए, होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो बिल्कुल हम टाइम नहीं लेंगे, अमृत सेन जो है एक बहुत ही फेमस जो है इकोनॉमिस्ट हैं, तो इनकी जो पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकती है बुक। चलिए, मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इबोला वायरस आप सभी लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वायरस था उस टाइम पर, जब ये आया था तब भी ये एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे थे, और अब एक देश है जिसने ये कहा है कि मेरे यहाँ पर जो है इबोला का जो प्रकोप है वो खत्म हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं पर अगर हम बात करें मैक्स 1407 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, मैक्स 1407 क्या है? जहां पर समझाने लायक होगा वहां पर हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब डिस्कस करेंगे, लेकिन जहां पर सिर्फ हमको टिक करके आगे बढ़ना है वहां पर बढ़ जाएंगे। तो इसका हम बात करें तो सोयाबीन की एक नई किस्म है मैक्स 1407, याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में चर्चे में रहा दाहला बांध किस नदी में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट है, तो अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, और अब तो जो है अफगानिस्तान और भी ज्यादा जो है चर्चा में आ रहा है। तो हालांकि अभी तो तालिबान वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं जाम में आने वाला जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी ये हाल ही में हुआ और अब तक तो पेपर वगैरह छप गया होगा। ठीक है, तो अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, दाहला बांध था जो चर्चित में था। क्वेश्चन नंबर 9, 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो इसका भारत जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने अब की बार जो है इसकी अध्यक्षता की थी, और पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह थी, भारत ने अध्यक्षता की है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा एग्जाम के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखो, किसी ना किसी दिन हम लोग एक मैराथन क्लास लाने वाले हैं जल्दी, कल या परसों में ही, उम्मीद करेंगे कल ही हम लोग को एक मैराथन क्लास मिल जाए 8 बजे से, तो हम लोग एक बेहतरीन क्लास कर लेंगे जिसमें हम लोग कम से कम 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर की, और पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये सब चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जो लोग भी नए जुड़े हो, साथ में जो बच्चे यहां पर लाइक नहीं किए हो कर दो लाइक, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो कर दो लाइक, नहीं अच्छे लग रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है, मत करिएगा लाइक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, जो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है वो जो है इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है? याद रखिएगा, ये एक्सरसाइज का जो है काफी, बस कल वाली अगर हम क्लास देखते हैं तो उसमें हम यही कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है कवर करा दिए जाएं, चाहे वो आपके एक्सरसाइज से संबंधित हो, चाहे वो नियुक्तियों से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी चीज से, खेल से, अवार्ड से, किसी से भी संबंधित हो, कल कोशिश किया जाएगा कि कल आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाएं। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए रहें। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, इंडोनेशिया। जो पासेक्स है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, सैन्य अभ्यास होती है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया है, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए सभी लोग। बिल्कुल सभी लोग आंसर पर ध्यान दें, क्योंकि आंसर आप लोग दे नहीं रहे हो गलत बात है, जुड़े बहुत से लोग हो लेकिन यार मतलब आंसर नहीं दे रहे हो गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर रघुनाथ महापात्र थे ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, ये कई बार न्यूज में भी आए थे जिस दिन इनका निधन हुआ था, और 2013 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आप सभी को पता है कि पद्म विभूषण, उसके बाद में पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीन जो है भारत रत्न के बाद में तीन सबसे बड़े अवार्ड होते हैं, उसमें से इन्हें पद्म विभूषण सबसे बड़ा सम्मान होता है जो इनको मिला था, और 2018 में राज्यसभा के लिए भी इनको नामित किया गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये रघुनाथ महापात्रा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है?
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जो पर्वत धारा योजना है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हम आप लोगों को ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं आंसर टाइप करने का, क्योंकि यार देखो समय कम है, तो हम लोग सोचते हैं जल्दी से क्वेश्चंस कर लें, उसके बाद आप लोग भी कोई जो आपकी और भी चीजें रिवीजन करने को बची वो भी आप रिवीजन कर लीजिए। चलिए, तो हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा पर्वत धारा योजना जो है इस राज्य ने शुरू किया है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा ये आपको बताना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये भारत। अब अगर भारत में कोई भारत अगर किसी चीज का मेजबानी कर रहा है तो वो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप सभी को पता है कि 2021 में जो वर्ल्ड कप T20 का होने वाला था वो भारत में होने वाला था, लेकिन अब जो है उसको ट्रांसफर कर दिया गया है UAE की तरफ। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो T20 वर्ल्ड कप भारत में होने वाला था अब उसको किस देश को दे दिया गया है, तो जो है UAE को दे दिया गया है। हालांकि उसका कार्यभार सब कुछ भारत ही करेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो UAE ही सही होगा। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भोरा घाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है, इंपॉर्टेंट है बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए सभी लोग। जो भोरा घाट तमेत घाट है इसका संबंध जो है किस राज्य से है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है, जल्दी बताइए सभी लोग। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा डी, यानी मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भोरा घाट लमेत घाट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल, तो संवेदना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों को मानसिक तनाव से अलग रखने के लिए या दूर रखने के लिए संवेदना की पहल की है, याद रखिएगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 17, 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था बताइए। एक क्वेश्चन बन जाएगा कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है और इस साल उसकी थीम क्या थी, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, हर एक चीज पसंद आ रही है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर पसंद आ रही है तो जरूर लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है बताइए। 18 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 18वें क्वेश्चन का। तो बिल्कुल, जो अंटार्कटिका महाद्वीप से जो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अलग हुआ है उसको नाम दिया गया है A76, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है, इंपॉर्टेंट है बताइए आप लोग। बिल्कुल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है आंसर आप सभी लोग टाइप करेंगे, जल्दी से आंसर टाइप करेंगे, लेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जल्दी से आंसर जो है आप टाइप कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, जल्दी जल्दी आंसर टाइप करिए। चलिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी नीरा टंडन को वरिष्ठ सलाहकार के रूप में व्हाइट हाउस में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दे दीजिए सभी लोग। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कोब ब्रायंट, ठीक है, ये एक प्रसिद्ध बास्केटबॉल प्लेयर हैं कोब ब्रायंट, और इनको जो है हाल ही में बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, इंपॉर्टेंट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है, इस रोबोट के रोवर का क्या नाम है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सा देश जो है हाल ही में मोबाइल रोबोट को 2023 तक चंद्रमा पर भेजने का कर रहा है, तो अमेरिका हो जाएगा, नासा हो जाएगा, ठीक है, और इस रोबोट के जो रोवर है उसका जो नाम है वो है वाइपर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्यूपैस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है बताइए। जो स्यूपैस पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसको जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक उड़ीसा इतिहास का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि उड़ीसा इतिहास किसकी पुस्तक है, तो हरे कृष्णा मेहताब की जो है पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इस पुस्तक को विमोचन किया गया है। बाकी अगर पूछा जाएगा लिखा किसने उड़ीसा इतिहास को, तो हरे कृष्णा मेहताब याद रखना है आपको।
क्वेश्चन नंबर 24, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है 24 का आंसर। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ी देर रीड कर लीजिए आप लोग और आंसर टाइप करिए। बहुत बढ़िया, चलिए तो 24 का इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि दूसरा और चौथा जो है ये गलत है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, हाँ बिल्कुल, दूसरा चौथा गलत है। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, तो यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया, ये बिल्कुल सही है, और वहीं पर भारत को इसको जो है 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 25। तो 25 का बिल्कुल राइट आंसर जो है न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश, तो अगर पहले देश की बात है तो भाई इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हो गया, तो न्यूजीलैंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सार्थक योजना की शुरुआत की गई है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो 26 की अगर हम आंसर की बात करेंगे तो रमेश पोखरियाल निशंक किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने ही सार्थक योजना की शुरुआत की है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है, बताइए, सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत किसने की है गुजरात में। तो 27 का आंसर सभी लोग टाइप करेंगे, बिल्कुल, तो 27 का जो है आंसर डी हो जाएगा, यानी कि विरल देसाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, वहीं पर 28 की बात करें, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए, बिल्कुल सभी लोग जो है इसका आंसर टाइप करेंगे, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 28 का जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी रुमाना सिंह सहगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये, बिल्कुल, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रत्येक वर्ष जो मलेरिया दिवस है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, इस चीज को सभी लोग रट लेना, दिमाग में रख लेना, बिल्कुल। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, हाल ही में खगोलविदों द्वारा, अगर आपको ये स्पीड नहीं पसंद है कि सर आप बहुत तेजी से पढ़ा रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो ताकि मैं आपको स्पीड कम दूं। हालांकि स्पीड इसलिए मैं दे रहा हूं, इसके पहले स्पीड नहीं देता था, उसका रीजन ये है कि समय अब बहुत कम बचा है, तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, फिर आप पीडीएफ लेकर जाइएगा, पीडीएफ अभी जैसे ही वीडियो खत्म होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, तो वहां से जाकर आप एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा तो और अच्छे स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी मैं कल जो है 200 क्वेश्चंस का जो है पूरा प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा, जहां पर आपको पूरे 6 महीने के जो है इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बस ये अपने लिए करना है चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप कुछ सीख जाएं, और अगर 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी करंट अफेयर के आपको फंस जाते हैं तो काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, आपकी रैंक भी ठीक ठाक बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनिकॉर्न द्वारा जो है ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया, तो यूनिकॉर्न रखा। ठीक है, जो खगोलविदों हैं उन्होंने ब्रह्मांड में सबसे छोटे ब्लैक होल को खोजा जिसका नाम यूनिकॉर्न रखा गया है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31, तो 31 का आंसर बताइए सभी लोग, तो 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में भारत में टीका उत्सव 2021 की शुरुआत की गई थी। चलिए, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है, बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए सभी लोग, बहुत बढ़िया, तो इसका मेघालय जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने मेघालय में 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात की शुरुआत की गई है, बताइए, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दे दीजिए हमको, आवाम की बात की शुरुआत की है किस राज्य में हुई है, तो जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 33 का सी। हाल ही में किस राज्य ने राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा सिग्मो उत्सव का आयोजन किया गया है, 34 का आंसर दीजिए सभी लोग, बहुत बढ़िया, चलिए, तो सिग्मो उत्सव की अगर हम बात करेंगे तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा में जो है सिग्मो उत्सव मनाया गया है, सॉरी यानी आयोजन किया गया है, तो 34 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर हम 35 पर आ जाते हैं कि हाल ही में इप्सा के महिला फोरम की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता जो है किस देश ने किया है। देखो, जो इंपॉर्टेंट समिट है, कौन से समिट कहां पर हुई है, इन सब पर हम लोगों ने हालांकि वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, इंपॉर्टेंट नियुक्तियां, इंपॉर्टेंट समिति, इन सभी की वीडियो मिल जाए, सॉरी जो सम्मेलन है
वो आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक है उसको जरूर देख लीजिए एक बार एग्जाम देने से पहले। तो 35 हो जाएगा। हाल ही में इप्सा के महिला फोरम की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी, तो 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा, भारत है, तो भारत ने अध्यक्षता की थी, तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो 36 का सी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन या उद्घाटन। चलिए 37, 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है। चलिए 14 फरवरी को किया गया था अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया था, तो किस बंदरगाह पर किया गया था, तो 37 का जो है राइट आंसर हो जाएगा कोची बंदरगाह। ये इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मेरी रेगुलर क्लास कर रहे हो तो मैंने दो दिन पहले जब मैंने करवाया था 50 क्वेश्चन जिस दिन, उस दिन भी ये क्वेश्चन आया था कोची बंदरगाह। ठीक है, चलिए हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है, तो देश का पहला है तो इंपॉर्टेंट है, जहां कहीं भी देश का पहला, देश की पहली कोई भी चीजें आ जाती हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो 38 की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चंडीगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है। चलिए 39 की बात करते हैं, FIAF अवार्ड 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता का सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा 39, तो 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अमिताभ बच्चन इसका जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, किस भारतीय संगीतकार को अल्बर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गलत बात है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार, ये गलत बात है, जल्दी से कर दो लाइक, सभी लोग जल्दी से लाइक कर दो। चलिए अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, सभी लोग रिक्वेस्ट है ये आपसे। ठीक, कौन से पैसे पढ़ने यार, कर दो, मेरी मेहनत लग रही है, आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है तो लाइक करना बनता है। चलिए तो 40 का ए हो जाएगा, AR रहमान। ठीक है, इनको अल्बर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, AR रहमान। जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अब भारत का सबसे लंबा है और सबसे बड़ा है तो भाई जाहिर सी बात है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बढ़ जाएगा। आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस जगह पर किया गया है, तो 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि मेघालय बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 42 का आंसर दीजिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि चौथा स्थान इसको प्राप्त हुआ है। चलिए 43 की बात करते हैं, टोक्यो ओलंपिक के संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो 43 का सी हो जाएगा, सिको हाशिमोतो। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसे नैसकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मैंने अभी भी बोला कि अगर आपको पहला और पहली दिख जाए तो वो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो नैसकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में यहां पर बात किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी रेखा मेनन इसकी पहली महिला चेयरपर्सन बनी है नैसकॉम की। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 45 की, बिल्कुल 8 बजे सभी लोग जुड़ जाया करिए, कोई भी ना एक मिनट इधर ना उधर, करेक्ट 8 बजे आप लोग जुड़ जाया करिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को दबाया है, तो आप लोगों को जो है इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और कहीं ना कहीं 2-3 दिन जो हम लोगों की बचे इसमें बहुत से अंक आपके अर्जित हो सकते हैं इन क्लासेस से, तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए तो 45 की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है हम बताते हैं, लिखा है मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। चलिए तो मिताली एक्सप्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको हरी झंडी दिखाई है, मिताली एक्सप्रेस को। 46, वर्ष 2023 में किस देश में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस खेल का आयोजन किस देश में होगा आगे, इन सभी को एक बार आप सरसरी निगाहों से देख कर ही जाइएगा सभी लोग। चलिए तो 46 की बात करते हैं, ये इसलिए टेस्ट लिया जा रहा है लास्ट 6 मंथ का कि अगर आपका कोई भी टॉपिक कमजोर है तो अभी वक्त है, आप एक बार उसको बस कुछ नहीं कि नोट्स बनाना है, अब आपको सरसरी निगाहों से केवल देखना है, बस वही बहुत है। वहां पर जब आप ऑप्शन देख लोगे तो वहां पर हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो 46 की बात करते हैं, तो उज्बेकिस्तान इसका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता होगी 2023 में वो उज्बेकिस्तान में होगी, तो 46 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर हम 47 की बात करते हैं,
हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? बताइए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 47 पूरे 50 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन और बचे हैं, बस हो जाएगा आपका। चलिए, तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गाम्बिया। WHO ने गाम्बिया, जो एक आपका अफ्रीकी देश होता है, उसको ट्रेकोमा मुक्त जो है घोषित कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, किस राज्य में सर्वाधिक FDI आकर्षित किया गया है? 48 का आंसर बताइए सभी लोग। चलिए, तो काफी अच्छे क्वेश्चंस थे आज के। अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को बिल्कुल मत भूलना, ताकि कल मैं आपको और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊं आपके लिए, ठीक है? चलिए, तो 48 का जो है बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। और कल जो है आपकी क्लास जो है वो आपको टाइम से मिल जाएगी, यानी 8 बजे सभी लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है? अगर उसके पहले भी क्लास होती है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो 48 का जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गुजरात इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो है FDI आकर्षित की गई है। 49, बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को और शामिल करने की बात की गई है? बताइए, उज्ज्वला योजना के तहत कितने और लाभार्थियों को शामिल करने की बात की गई है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 करोड़ लाभार्थियों को और शामिल करने की बात की गई है उज्ज्वला योजना के तहत। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? बताइए, गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो बिल्कुल बाला साहेब ठाकरे के नाम पर ये रखा गया है। तो आज के 50 क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, मजा आया कि नहीं आया ये भी जरूर बताइए, ताकि कल जो है हम लोग और भी बेहतरीन क्वेश्चंस को ला सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। अभी 10 मिनट के बाद आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर जरूर डाउनलोड करें और एक बार जरूर उसको पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।